हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अस्तान, टेक ज्ञान चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस बॉक्स की। इस बॉक्स में क्या है जरा देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट से आया हुआ है ये, हमने मंगाया है। इस बॉक्स में जो कुछ भी है वो आपको खोलने के बाद ही पता लगेगा, कुछ साफ नहीं दिख पा रहा है। ये ई कार्ट ने अभी आज ही डिलीवर किया है मुझे, तो एड्रेस थोड़ा सा नहीं जो समझ में आ रहा है वो भी बाद में मैं आपको बता दूंगा। मेरा ही एड्रेस है इसमें पड़ा हुआ, मैंने अपने ही एड्रेस पर मंगाया था। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इस बॉक्स में एक ट्राईपॉड है, क्योंकि अब तक मैं जो वीडियो बनाता था वो बिना ट्राईपॉड के बनाता था, अब मैं ट्राईपॉड का इस्तेमाल करूँगा वीडियो बनाने में। तो आज मेरे पास वीडियो बनाने के साथ साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी है, तो मैं एक ही हाथ से अनबॉक्स कर पाऊँगा, एक हाथ फ्री है। अगर दूसरे हाथ का इस्तेमाल हुआ तो उतनी देर के लिए मैं वीडियो पॉज करके उसका इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद ही आपको वीडियो दिखा पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बॉक्स जो है वो मैंने खोला हुआ है इस तरफ से, और क्या है इसमें वो आपको दिखा देता हूँ। इस बॉक्स में निकलता है दोस्तों एक बिल, कुछ भी नहीं है, बेकार का छोटा सा रफन्ना है। इस बिल के साथ साथ अब इसकी अनबॉक्सिंग की बारी आती है, तो इस बॉक्स को हम सीधा कर लेते हैं खड़ा। और ये है सोनिया लाइट वेट ट्राईपॉड PH770। तो इसे हम निकालते हैं, तब तक के लिए वीडियो थोड़ा सा पॉज करेंगे। यह है दोस्तों सोनिया का PH770 ट्राईपॉड, और ये मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखने के बाद मंगाया था। देखता हूँ आज कैसा लगता है इसे, थोड़ा सा खोल के देखता हूँ। अभी तक मैंने खोला नहीं है इसे डिब्बे को, डिब्बा पैक है बिल्कुल ऐसा ही है। चारों तरफ से थोड़ा डिब्बा आपको दिखा देता हूँ। लगता है मुझे छेड़छाड़ करी गई है इस डिब्बे के साथ, पहले से ही खुला हुआ है ये। इधर से भी छेड़छाड़ है काफ़ी सारी, या तो डिब्बे में पैकिंग के समय ये गड़बड़ है या फिर छेड़छाड़ करी गई है। तो इस डिब्बे को खोलते ही अगर देखते हैं क्या होता है, फिर क्या छेड़छाड़ की हुई है। अगर फ़िलहाल की देखें दोस्तों, तो फ़िलहाल में इसमें एक बड़ा डिब्बा, उसके बाद छोटा डिब्बा, उसके बाद एक ये छोटा सा पैकेट कैरी बैग जिसे कहते हैं, कैरी बैग निकला है इसमें। एक कैरी बैग को अब ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे क्या निकलता है। दोस्तों, जो कैरी बैग है वो ऊपर से ओपन करने वाला है, तो यहाँ से इसे स्लाइड करके मैं ओपन करूँगा। और काफ़ी वैसे क्वालिटी कैरी बैग की कहें तो लगभग मेरे हिसाब से 100 रुपये तक का तो कैरी बैग है ही है। कैरी बैग को ओपन करने के बाद में कुछ ये ऐसा दिखता है, इस तरीके की इसकी पैकिंग निकली है। और ये इसमें मुझे लग रहा है बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं है, बिल्कुल नया सा लग रहा है। और फिलहाल में मैंने अपना मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़ लिया है, और ये कैरी बैग से अभी मैंने इसे निकाल लिया है, और इसका ये पॉलीथिन भी मैंने हटा दी है। अभी तो फिलहाल में ये लगभग 1.5 फुट लगभग लंबा लग रहा है मुझे, हाँ 1.5 फुट ही है। आप भी देख सकते हैं मिनिमम हाइट इसकी 1.5 फुट है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। इसका फुल लेंथ और थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों, इसमें अभी मैंने ज़मीन पर रखा हुआ है इसे, इसे ओपन करने के लिए मुझे सबसे पहले इसे फैलाना पड़ेगा, और ये मैंने फैला लिया है इसे। इसमें एक हैंडल दिया हुआ है जो कि इस तरफ है, आप इसे हैंडल को उठाकर कहीं भी लाज ले जा सकते हैं। साइड में नीचे इसे कस देते हैं जिससे ये टाइट बना रहेगा, कहीं भी लूज़ नहीं होगा, इस तरीके से बंद नहीं होगा। जो बंद हो जाता था वो नहीं होगा, उठाने पे बंद हो जाएगा तो वो बंद नहीं होगा, ये इसे टाइट करना पड़ेगा। जो नीचे के डॉट्स हैं वो काफ़ी हिलने वाले हैं, इधर उधर एडजस्टेबल हैं, इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ। तो ये एडजस्टेबल दिए हुए हैं, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है काफ़ी मूवेबल है, सारे का सारा हिस्सा कहीं पर भी आप घुमा सकते हैं इसे। तो कैसे कैसे घुमाएंगे इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले मुझे इसे ऊपर उठाना है, तो मैं इसे लूज़ करूँगा थोड़ा सा और इसे ऊपर उठा लूँगा। अभी मैंने इसकी हाइट केवल 1.5 फुट ही रखी है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा ऊपर खड़े होकर इसे वीडियो बना रहा हूँ। 1.5 फुट हाइट पर ये लगभग सही वीडियो बनेगी इसकी, और इसकी अनबॉक्सिंग भी जो कुछ भी हुई थी वो ज़्यादा खास नहीं थी, पर ठीक ठाक ही है। आप लोग देखकर मुझे लग रहा होगा स्किप कर दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, पर फिलहाल में जो मैं दिखा रहा हूँ वो 1.5 फुट हाइट पर ही दिखाऊंगा। इसकी बकाया जो हाइट है वो मैं आपको बता दूँ, इसकी 5 फुट 8 इंच हाइट है पूरा खोलने पे, जो कि यहाँ से ये दो क्लिपें दी हुई हैं उनके बाद थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी, और उसके बाद थोड़ा सा जो हाइट और बढ़ेगी वो यहाँ नेक से अगर हम ढीला करेंगे इस नट को जो दिया हुआ है,
नेक से इसे थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। उसके बाद ये हैंडल को जब हम घुमाएंगे तो उल्टी तरफ हैंडल के राइट हैंड पे ये एक स्क्रू दिया हुआ है, उसे थोड़ा सा घुमाएंगे जब हम, तो लगभग ये 1 से 1.5 फुट फिर बड़ा हो जाएगा, लगभग 1.5 फुट और बड़ा हो जाता है ये। तो इसे हम फिर छोटा कर लेते हैं, और जब ये ऐसे करके हम जैसे खोल देते हैं तो इसे रोकने के लिए हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा स्क्रू टाइट करना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा, वरना ये अपने आप से नीचे चला जाएगा और बाद में ये खुलेगा भी नहीं और ये टाइट भी नहीं होगा। तो इसे बंद कर देता हूँ मैं, और फिलहाल मैं इसे नीचे ही डाउन ही रखूँगा क्योंकि वीडियो इसकी छोटे भाई बनाना है मुझे। इसे खोल लूँगा और इसे फिर टाइट कर दूँगा मैं, इसे अंदर कर देते हैं। दोस्तों इसमें एक यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ मैं आपको, ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये एक आपको पानी के लिए मोबाइल को सीधा रखने के लिए आपको यहाँ पर एक सेंसर दिया हुआ है इसमें, जिसे मोबाइल में तो ग्रायो सेंसर बोलते हैं, जायरो सेंसर बोलते हैं, पर इसमें पता नहीं क्या बोलेंगे इसे। इसमें छोटा सा एक डॉट होता है पानी का, इधर उधर वो घूमता रहता है, बीच में अगर रुकेगा वो तो आपको पता लग जाएगा कि मोबाइल सेंटर पर है। वही ठीक इस तरीके से ये पूरा आपका स्टैंड जो भी सेंटर पे रखा हुआ है, ट्राइपॉड जो पूरा सेंटर पे रखा हुआ है, इसका पता करने के लिए यहाँ पे एक बीच में भी डॉट आता है इसके, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीन लाइट में एक डॉट दिया हुआ है। साथ ही साथ आगे की बात करें तो यहाँ पर ये एक छोटी सी रबर टाइप की लगी हुई है। इसका कोई फ़ायदा या नुकसान मुझे नहीं पता क्या है इसका कोई फ़ायदा या नुकसान। इससे बात करें तो ये लूज करने पर हैंडल को यहाँ से लूज या टाइट करेंगे, अगर टाइट कर देंगे तो ये जैसे का तैसा वहीं पर रुक जाता है, लूज करने पर इसे ऊपर नीचे हम चला पाते हैं। तो हम टाइट करके रखेंगे अभी, और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से लूज करते हैं इसे तो हम इसे लेफ्ट और राइट तरीके से घुमा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ थोड़ी सी, जब हम इस वाले नट को ढीला टाइट करेंगे तो हम इसे यहाँ से ऐसे तरीके से भी घुमा पाएंगे। फिलहाल भी मैंने टाइट रखा हुआ है, और ये जो दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ये हमारा इसके लिए दिया हुआ है कि हम इजेक्ट करके इस पर अपना फ़ोन या फिर कैमरा माउंट कर सकें। तो यहाँ पर कैमरा माउंट दिया हुआ है ये, फिलहाल में यहाँ पर आप किसी भी सेल्फी स्टिक का मोबाइल माउंट भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल में मैं सेल्फी स्टिक का ही मोबाइल माउंट इस्तेमाल करूँगा क्योंकि सेल्फी स्टिक का जो माउंट होता है वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, और अगर आप ऐसे माउंट केवल मोबाइल माउंट मंगाएंगे तो वो लगभग आपको 150-200 का पड़ेगा, जबकि पूरी की पूरी सेल्फी स्टिक मुझे 75 रुपीज़ में पड़ी थी, मैंने दिल्ली से खरीदी थी, 75 रुपीज़ की पड़ी थी पूरी सेल्फी स्टिक। तो फिलहाल में मैं इसे लगा दूंगा इसे वापस, तो इसे खोलते हैं और इसे बिठा लेते हैं वापस। ये देख लें कि लूज़ ही रहे, एक तरफ से ये लूज़ रहेगा और अगर हम इसे घुमाकर लगा देंगे तो टाइट हो जाएगा थोड़ा, तो ये लूज़ रहना चाहिए जिस तरीके से अभी चल रहा है, ये फ्रीली बिल्कुल ऐसा ही चलना चाहिए। तो आपका सीधा लगा हुआ है वरना आपका उल्टा लगा हुआ है। तो इसकी जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो है वो है 5.5 फुट, काफ़ी अच्छी हाइट है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, और अगर हम इसके फैसिलिटीज़ की बात करें इतने कम रुपयों में तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं इसमें। और ये सोनिया का वो है, थोड़ा सा ब्रांडिंग दी हुई है यहाँ पर, सोनिया PS770। तो एक जेन्युइन सी बात करें, अगर ये 1350 रुपये का पूरा सेट है जो मेरे पास है ये अभी स्टैंड ट्राईपॉड का, तो ये 1350 रुपये का है, काफ़ी अच्छा है 1350 रुपये में। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और 1350 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा माउंट आपको मोबाइल का स्टैंड समझ लीजिए या फिर ट्राईपॉड स्टैंड समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए इसे, जो कुछ भी 1350 रुपये में काफ़ी अच्छा दे रहे हैं सोनिया वाले। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि ये अगर 1450 रुपये में आपको पहुँचते हुए रेट पर मिल रहा है, मतलब आपको अगर डिलीवरी पर कुछ भी चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो ये 1450 रुपये के हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि इससे कुछ जगह पे कुछ थोड़ी थोड़ी खामियां हैं, लेकिन अगर हम उसको 1300 रुपये के हिसाब से देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी हैं खामियां। मैं इसकी इतनी बड़ी बताऊंगा नहीं काफ़ी, क्योंकि मुझे सही लगा, जैसे यहाँ पर एक ये छेद दिखता रहता है, आपको इसमें उंगली भी डाल सकते हैं, तो कुछ भी ये अच्छा नहीं है। ये यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा रबर लगा देनी चाहिए थी। इसकी बात करें अगर हम कैमरे माउंट की, तो कैमरा माउंट भी इनका काफ़ी अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत ही अच्छा है। फ़िलहाल में जो कुछ भी है वो 1350 रुपये के हिसाब से सही है, अच्छा ही है, बुरा भी नहीं है। कहीं पर भी बैरिंग्स नहीं दिए हुए हैं इसमें, जैसे इसमें बैरिंग होता है लगा हुआ, अगर प्रो की बात करें तो बैरिंग्स आते हैं प्रो में, तो ये प्रो वर्जन नहीं है दोस्तों, तो प्रो वर्जन के हिसाब से इसमें बैरिंग इसमें नहीं दिए हुए हैं।
फिर भी 1350 के हिसाब से काफ़ी अच्छा बताऊंगा मैं आपको। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इसे परचेज़ कर लीजिएगा बिना कोई शक करे इस पर। सीधे के सीधे मैं आपको बताऊंगा, अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है और इतने कम पैसों में आपको कोई भी इस तरीके का ट्राईपॉड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।